बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो पे क्लिक करने के लिए। आज इस वीडियो में हम लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं 9 नवंबर की जीएमपी की। सारे आईपीओ में जीएमपी अपडेट चल रही है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। हर एक आईपीओ में क्या खास देखने को मिला है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या आपको इसमें लिस्टिंग वगैरह में देखने का फायदा मिल सकता है, वो सारी चीजें जानेंगे। साथ साथ नायका आईपीओ की अलॉटमेंट ऑलरेडी दोस्तों आ चुकी है, मैंने पोस्ट डाल दी जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था। एग्जैक्टली बिल्कुल मैंने अपने वादा निभाते हुए आपके लिए पोस्ट में भी डाला था, जिस वीडियो को मैंने बनाया था उसके कमेंट में भी डाला था, क्योंकि अलॉटमेंट थोड़ी सी लेट आई थी दोस्तों, 12 12:30 बजे के आसपास आई थी। मैं वीडियो नहीं बनाया था, मुझे इस बात का बहुत खेद है, परंतु मैंने फिर भी आपके लिए एक ऐसा नोटिफिकेशन जरूर जारी कर दिया था ताकि आपको इंस्टेंटली पता चल जाए। जिन लोगों ने नायका आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं चेक करी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप चेक कर लीजिए पहले जाके। जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली है उनके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एक पर्सनल स्ट्रेटेजी है जिसको आप यूज कर सकते हैं, वो उससे भी आप 10 से 20% गेंस आपको आईपीओ में मिल सकते हैं। तो अगर आप वो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आप डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है मैं जो डालता हूँ चैनल के ऊपर आपको इंस्टेंटली मिल जाती हैं। बहुत ही ज्यादा खास वीडियो जब आती हैं तभी आपको नोटिफिकेशन वाला मैं ऑप्शन ऑन रखता हूँ, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलती है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाए, आपको कहीं और घूमने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को। वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आपको लाइक भी करना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइक करना भी, आप ही जैसे भाइयों तक ये वीडियो और पहुंचे इसलिए लाइक करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। नायका आईपीओ जो कि ₹650 से ऊपर नहीं निकल रहा था, आज ₹752 इसने अपनी जीएमपी दिखाई है। दोस्तों 752 जीएमपी होने का क्या फायदा है, अलॉटमेंट आ चुकी है, अलॉटमेंट बहुत सारे लोगों को नहीं मिली, लेकिन उन सबको पता है कि नायका एक ऐसा आईपीओ है कि जबरदस्त लिस्टिंग जो देने वाला है, तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी ग्रे मार्केट प्रीमियम में ही वो इनको ले रहे हैं। मतलब जिसको नहीं मिला वो क्या करेगा, जिसको मिल चुका है वो उससे बाय करेगा एक पर्टिकुलर प्रीमियम में, और वो ₹750 महंगा बाय कर रहा है। तो सोच के देखिए, अगर दोस्तों कोई बंदा ₹750 महंगा ऑलरेडी बाय कर रहा है तो जीएमपी में जो लिस्टिंग होने वाली है वो इससे ज्यादा ही होने वाली है ना। तो एक लोट के ऊपर अभी ₹9,024 का यहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, बट 9,024 से भी ज्यादा यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेंस देखने को मिल चुकते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं जो 752 महंगे में जो बाय कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है दोस्तों ये कुछ ना कुछ अपना टारगेट हिट करना चाह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टारगेट है जिसको हिट करना चाह रहे हैं। अगर वो टारगेट हिट होता है तो दोस्तों जबरदस्त लिस्टिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 9,000 में दोस्तों यहाँ पर कम से कम 10 से 12 भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, 10K से 12K का प्रॉफिट यहाँ पर कहीं भी नहीं गया अगर ये अपने टारगेट्स को मीट करता है ये आईपीओ। ये होगी बात दोस्तों नायका आईपीओ की। नेक्स्ट आता पेटीएम आईपीओ, दोस्तों गिरता जा रहा है पेटीएम आईपीओ, कोई भी खास इसमें अभी तक हमको बढ़ाव नहीं देखने को मिला है। ₹360 की यहाँ पर ओनली आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी खास नहीं है, बिल्कुल भी बेहतरीन नहीं बोलूंगा दोस्तों मैं। मैंने अच्छी उम्मीद की थी, मुझे लगा था कि पेटीएम आईपीओ काफी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत है ₹18,000 करोड़ एक तो मार्केट से उठा रहा है, उसमें से ₹10,000 करोड़ सिर्फ दोस्तों ये यहाँ से मार्केट से उठा के गायब करना चाहता है, मतलब कंपनी में नहीं लगा रहा है। साथ साथ इसके काफी ज्यादा खबरें भी आ रही है कि दोस्तों इसमें काफी फ्रॉड हुए हैं, इतने ज्यादा ये लिस्टिंग्स नहीं दे रहा है, इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे रही है ये कंपनी। तो हो सकता है भाई इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ा सा डर है, बट देखते हैं दोस्तों, हमको कोई जरूरी नहीं है, हमको अच्छा फाइनेंशियल्स मिले, हमें अच्छा जीएमपी वगैरह मिले, हमें अच्छा इसके अंदर इंटीमेशन मिले, तभी हम लगाएंगे आईपीओ में। तो अभी तक पर्सनली मैं कह रहा हूँ दोस्तों अभी अभी तक पेटीएम में मत लगाइए, वेट करते हैं लास्ट दिन का, देखते हैं क्या इसमें एक सब्सक्रिप्शन में खास देखने को मिलता है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वीडियो मैंने डे वन की जो पेटीएम की वो आई बटन में डाल दी, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ लिस्ट में आता है सिगाची आईपीओ। सिगाची आईपीओ अलॉटमेंट कब चेक करनी है, कहाँ चेक करनी है, उससे रिलेटेड एक बहुत जबरदस्त वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों, वो भी आई बटन के ऊपर आपको मिल जाएगी, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिए। कब अलॉटमेंट आप चेक कर सकते हैं, कितने बजे चेक कर सकते हैं, वो भी आप जरूर चेकआउट कीजिए। क्यों इसमें देरी हो सकती है दोस्तों, सिगाची आईपीओ में एक छोटी सी मैंने बात आई है, क्योंकि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है, तो क्यों हो सकती है वो भी जरूर जानिएगा। देखा जाए तो जीएमपी छप्पड़ फाड़ है दोस्तों, ₹200 की जीएमपी हो चुकी है, ₹18,000 का प्रॉफिट आपको ये एक लोट पे सिगाची आईपीओ दे रहा है, ₹195 से ₹200 आ चुकी है, 18,000 एक लोट पे बहुत ज्यादा बेहतरीन अपने आप में प्रॉफिट है। लेकिन डेफिनेटली बात है दोस्तों, अगर ₹200 देगी कोई महंगे में इसको सिगाची को खरीद रहा है ग्रे मार्केट में, तो ऑब्वियस ही बात है 18,000 से ज्यादा ये प्रॉफिट आपको दे सकता है, नॉर्मली 20 से 25,000 रुपये भी जा सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। पॉलिसी बाजार का जो आईपीओ है दोस्तों, उसकी जीएमपी आई में थोड़ी सी बढ़ाव देखने को मिला है दोस्तों, ₹94 हो चुका है, जिसके कारण ₹410 यहाँ पर प्रॉफिट आपको निकल के आ रहा है। ₹94 पहले 78-80 के पास चल रहा था, 94 यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हमको देखने मिला है, इतना इंक्रीज नहीं है पॉलिसी बाजार में, बट हाँ ऑलरेडी कुछ इंक्रीज है। पॉलिसी बाजार की अलॉटमेंट से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं इस वाली वीडियो के बाद में अपलोड करूंगा दोस्तों, तो उसको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। फिनो पेमेंट्स बैंक बिल्कुल 0 जीएमपी, कोई यहां पर बढ़ाव चढ़ाव कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, उसकी आज की डेट की अलॉटमेंट है। फिनो पेमेंट्स बैंक में अगर आपने अप्लाई किया है तो आप उस अलॉटमेंट वाली वीडियो चेकआउट करें, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे और कहां पर चेक करनी है।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हमारे इस वीडियो में, हमारे लिस्ट के अंदर SJS IPO की GMP और भी गिर चुकी है, ओनली 351 रुपीज का प्रॉफिट देखने मिला है। दोस्तों SJS अच्छा IPO नहीं था, मैंने पहले भी इसमें अप्लाई करने को नहीं कहा था। देखा जाए तो SJS की और पेटीएम की बिल्कुल बराबर सी चल रही है ऑलमोस्ट GMP, ये देख सकते हैं आपको जो प्रॉफिट यहाँ पर ओनली 360 का मिल रहा है, यहाँ पर आपको 351 का मिल रहा है, जो काफी ज्यादा सेम से यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, तो मतलब लिस्टिंग में कुछ खास ना करें। नेक्स्ट आती है सफियर फूड्स IPO 120 रुपीज के अंदर, इसका GMP चल रही है जो कि ओनली 1440 रुपीज का ही प्रॉफिट आपको दे रही है, कुछ ज्यादा खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट में आता है सबसे जबरदस्त IPO, मतलब अभी जिसने सिगाची में नहीं लगाया, जिसमें सिगाची को नहीं मिलेगी अलॉटमेंट दोस्तों, नेक्स्ट नाइका IPO में जिसको अलॉटमेंट नहीं मिली है दोस्तों, बेफिक्र दोस्तों आप लेटेंट व्यू IPO के अंदर अप्लाई कीजिए। इसकी जो डिटेल्स वाली वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी और साथ साथ आपको आई बटन के ऊपर भी मिल जाएगी, सो जरूर चेकआउट कीजिए। आपको लेटेंट व्यू में अप्लाई करना चाहिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि लेटेंट व्यू इतनी जबरदस्त GMP चल रही है 16,720 रुपये, और भी अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। दूसरा हैप्पीएस्ट माइंड है दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड काफी ज्यादा हाइप थी हैप्पीएस्ट माइंड की, काफी जबरदस्त उसने भी लिस्टिंग गेन्स हम दिए थे, तो कोशिश करें कि आप भी लेटेंट व्यू IPO के अंदर अप्लाई करें। अगर जिनका नाइके में अलॉटमेंट नहीं मिले, जिनको रिफंड मिल चुका है, तो जल्दी से जाओ और इसमें लेटेंट व्यू में अप्लाई करने के लिए फंड्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो, एक से ज्यादा डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना। डीमेट अकाउंट अगर फैमिली मेंबर्स के नाम पे, रिलेटिव्स के नाम पे खोलने, तो नीचे लिंक दे दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको डीमेट अकाउंट वहाँ पे खोलने का ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें जी करें आप उसमें खोलिए। जीरोदा का लिंक है नीचे, ग्रो का लिंक भी मिल जाएगा, अपस्टॉक्स का लिंक भी मिल जाएगा, आपको जो अच्छा लगता है अप्लाई कीजिए। अगर आपको डाउट है कि कौन सा डीमेट अकाउंट अच्छा है, तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो आई बटन भी दी है, जरूर उसको भी चेकआउट कीजिए, काफी बेहतरीन वीडियो वो भी अपने आप में है। मेरे ख्याल में मैंने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, क्या इनका GMP चल रहा है, क्या इनके अंदर अपडेट आ रहे हैं, कैसा इनका लिस्टिंग हो सकती है। अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन देखने मिलती है दोस्तों, लाइक करके मोटिवेट कीजिए मुझे, बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों कमेंट करके पूछिए अगर आपको कोई डाउट आता है, बताइए कि आपको नाइका IPO से रिलेटेड जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो चाहिए कि नहीं चाहिए, उसमें क्या ऐड करना है वो भी जरूर मुझे पूछिएगा, कमेंट कीजिए, काफी अच्छा लगता है दोस्तों आपसे बात करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाते रहें। बाय बाय दोस्तों।